हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे इस 3D प्लान के बारे में। हम आपसे डिस्कस करेंगे, ये हमारे पास 3D प्लान रहेगा और ये फ्रेंड्स हमारे पास जो प्लॉट है ये हमारे पास 30 फिट बाई 50 फिट का प्लॉट है। 30 फिट इसका ये फ्रंट है, 50 फिट अपने प्लॉट की गहराई है, मीन्स कि 30 फिट बाई 50 फिट का प्लॉट है। और इस 3D प्लान के साथ में हम आपको बताएंगे इसका पूरा मैप के बारे में, मीन्स कि घर का नक्शा के बारे में। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास जो 3D प्लान है इसमें आप देखेंगे हमारे घर की जो मेन एंट्री है वो हमारे पास यहाँ से ये मेन एंट्री है और ये हमारे पास 10 फीट वाइड की मेन एंट्री है। इस एंट्री से आगे बढ़ने पर हमें यहाँ पर ये पार्किंग मिल रही है और पार्किंग फ्रेंड्स ये जो होगी हमारी स्टेकेस के जस्ट नीचे हमारी पार्किंग होगी। यहाँ से हमने स्टेकेस को अप कराया हुआ है, ये हमारे पास स्टेकेस का डिज़ाइन रहेगा। ये फ्रेंड्स हमारे पास फ्रंट में गार्डन रहेगा जो कि हमारे पास एक छोटा सा गार्डन है। यदि आप यहाँ पर कोई भी प्लांट वगैरह लगाना चाहें तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और ये फ्रेंड्स हमारा जो डोर होगा इस डोर से जाएंगे सबसे पहले हम अपने इस ड्राइंग रूम में। ये मिलेगा हमें एक ड्राइंग रूम जो कि ये भी हमने काफ़ी अच्छा इसको डिजाइन किया हुआ है। इसमें आप देखेंगे हमने 3 सीटर सोफा की 3 सीटिंग दी हुई है। यहाँ पर रहेगा हमारे पास ये विंडो का डिज़ाइन, तो इसी विंडो से हमारे अपने इस ड्राइंग रूम में काफ़ी सारा उजाला आता रहेगा और ड्राइंग रूम का वेंटिलेशन भी होता रहेगा। ये जो हमारी वॉल है इस वॉल पर हमने वॉलपेपर का डिजाइन किया हुआ है। बाकी हमारे पास ये जो दोनों वॉल्स हैं दोनों वॉल्स पर हमने पेंट फिनिश किया हुआ है। और यहाँ पर रहेगा हमारे पास ये TV कैबिनेट का डिज़ाइन। फ्लोरिंग में आप देखेंगे हमने वुडन टेक्सचर में टाइल का ही यूज किया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास रहेगा फ्रेंड्स कॉमन टॉयलेट, ये हमारे पास कॉमन टॉयलेट है। और ये फ्रेंड्स हमारा जो टॉयलेट है ये हम इसे फैमिली का कोई भी मेंबर यूज कर सकता है या फिर हमारा कोई भी गेस्ट वगैरह आता है तो वो भी इस टॉयलेट को यूज कर सकता है। इसमें हमने यहाँ पर वेसिंग का डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पर रहेगी हमारे पास सीट और ये रहेगा हमारा शावर का डिजाइन। और ये जो हमारा टॉयलेट है इसमें हमें यहाँ पर एक वेंटिलेटर मिलेगा, तो इसी वेंटिलेटर से हमारे अपने इस टॉयलेट का प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। ये हमारे घर का एंट्रेंस डोर है, यहाँ से हम अपने घर के अंदर आ रहे हैं। आप देखेंगे ये हमारे घर की एंट्री है, यहाँ से हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमें ये डोर मिलेगा और इस डोर से ही हम अपने घर के अंदर आएंगे। तो इस डोर से आगे बढ़ने पर सबसे पहले हमें यहाँ पर मिल रहा है हॉल। ये हमारे पास काफ़ी बड़े साइज का हॉल होगा, तो इस हॉल में आप देखेंगे हमने यहाँ पर ये एल शेप में एक सोफ़ा की सीटिंग दी हुई है जो कि इसे हम अपना एक लिविंग पर्पज से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर रहेगा फ्रेंड्स 6 चेयर का हमारे डाइनिंग टेबल जिसपे बैठकर अपनी फैमिली के साथ यहाँ खाना वगैरह खा सकते हैं। और ये जो हमारी वॉल होगी इस वॉल पे रहेगा हमारे पास टीवी कैबिनेट का डिजाइन और यहाँ पर रहेगा हमारे पास ये एक प्लांट वगैरह लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं। ये जो वॉल होगी इस वॉल पर भी हमने वॉल पेपर का डिजाइन किया हुआ है। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास रहेगा एक हॉल का डिजाइन जो कि इसे हम अपने लिविंग और डाइनिंग दोनों के पर्पज से इसे हम यहाँ यूज कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने किचन डिजाइन किया हुआ है, ये हमारे पास मॉड्यूलर किचन है। इसमें आप देखेंगे हमारे पास ये सी शेप का हमारे पास प्लेटफॉर्म है और इसमें हमें यहाँ पर एक विंडो मिल रहा है, तो इसी विंडो से हमारे अपने इस किचन का प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। इसमें आप देखेंगे हमारे पास यहाँ स्टोव का डिजाइन है, ये रहेगा हमारे पास सिंक का डिजाइन और यहाँ पर रहेगा हमारे पास ये फ्रिज का डिजाइन। तो ये हमारे पास मॉड्यूलर किचन रहेगा, काफ़ी अच्छा इसको भी हमने ये डिजाइन किया हुआ है। ये फ्रेंड्स हमारे पास बेडरूम का डिजाइन है, आप देखेंगे ये भी काफ़ी अच्छा इसको डिजाइन किया हुआ है। इसमें आप देखेंगे ये हमारे पास रहेगा बेड का डिजाइन, यहाँ पर रहेगा हमारे पास ये कवर्ड का डिजाइन। और ये जो वॉल होगी इस वॉल पे हमने वॉलपेपर यूज किया हुआ है। यहाँ पर हमें एक विंडो मिलेगा, तो इसी विंडो से हमारे इस रूम का प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। ये हमारे पास जो डोर है इस डोर से हम जा सकते हैं बैक साइड में, ये हमारे पास बैक साइड का यूटिलिटी एरिया है। और ये जो हमारी वॉल होगी इस वॉल पर हमें यहाँ पर ये एक टीवी कैबिनेट का डिजाइन मिलेगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट बेडरूम है अपने इस फ्लोर का। ये हमारे पास रहेगा सेकेंड बेडरूम जो कि ये भी हमने काफ़ी अच्छे इसको डिजाइन किया हुआ है। इसमें भी जो फ्लोरिंग है वो हमारी सेम फ्लोरिंग रहेगी, स्टोन का ही इसमें हमने यूज किया हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर एक काफ़ी बड़े साइज़ की विंडो है, तो इसी विंडो से हमारे इस बेडरूम का भी प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। ये फ्रेंड्स हमारे पास रहेगा टीवी कैबिनेट का डिजाइन। और ये जो हमारा बेडरूम होगा इसमें हमने एक टॉयलेट को ऐड किया हुआ है, ये हमारे पास अटैच टॉयलेट है। और ये जो हमारा अटैच टॉयलेट है इसमें भी हमने वाशिंग एरिया को और टॉयलेट सीट दोनों को इसमें हमने कम्बाइंड रखा हुआ है। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास बेडरूम है जो कि ये हमने काफ़ी अच्छा यहाँ पर ये डिजाइन किया हुआ है। ये हमारे पास बैक साइड में यूटिलिटी एरिया है, इसे मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं या फ्रेंड्स यहाँ पे आप अपना एक गार्डन वगैरह बनाना चाहें, प्लांट वगैरह लगाना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये हमारे पास ये बैक साइड का यूटिलिटी एरिया रहेगा। ये फ्रेंड्स हमारे पास रहेगा थर्ड बेडरूम, ये भी हमारे पास काफ़ी अच्छा हमारे पास ये बेडरूम है। इसमें भी आप देखेंगे जो फ्लोरिंग है उसमें हमने सेम फ्लोरिंग ही यूज की हुई है। इसमें हमारे पास रहेगा यहाँ पर टीवी कैबिनेट का डिजाइन, ये रहेगा फ्रेंड्स हमारे पास ये कवर्ड का डिजाइन। बाकी ये जो वॉल होगी इस वॉल पे हमने वॉल पेपर का डिजाइन किया हुआ है। और यहाँ पर रहेगा हमारे पास काफ़ी बड़े साइज का एक विंडो का डिजाइन, तो इसी विंडो से हमारा इस रूम का भी अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास 4 रूम विद कार पार्किंग और एक बड़े हॉल के साथ हमने इसको डिजाइन किया हुआ है। फ्रंट में हमारे पास इसमें गार्डन है, तो ये हमारे पास प्लान है जो कि बहुत ही अच्छा आपको लगा होगा, बहुत ही अच्छा हमारे पास ये डिजाइन है। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं इसके मैप की तरफ। ये फ्रेंड्स हमारे पास मैप पे आप देखेंगे हमारे पास ये 30 फिट बाई 50 फिट का हमारे पास ये प्लॉट है। फ्रंट साइड में रोड है, बाकी इसकी जो 3 अदर डायरेक्शन है तीनों ही अदर डायरेक्शन में अदर लोगों की प्रॉपर्टी है। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास जो मैप है इसमें आप देख रहे होंगे हमारे घर की जो मेन एंट्री है वो हमारे पास यहाँ से 10 फिट वाइड की मेन एंट्री है।
इस एंट्री से आगे बढ़ने पर हमें यहाँ पर एक पार्किंग मिल रही है, ये हमारे पास पार्किंग होगी। और पार्किंग का फ्रेंड्स हमारे पास जो साइज है वो हमारे पास 10 फिट 3 इंच बाई 16 फिट 9 इंच का हमारे पास ये पार्किंग का साइज रहेगा। यहाँ से हम अपने फर्स्ट फ्लोर के लिए अप कर रहे हैं, ये जो आपको सीढ़ी दिखाई दे रही है ये हमारे पास यहाँ से अपने फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे। और ये हमारे पास जो सीढ़ी का जो साइज रहेगा वो हमारे पास 3 फिट 3 इंच का हमारे पास ये सीढ़ी का साइज रहेगा। ये हमारा घर का एंट्रेंस डोर होगा, यहाँ से हम अपने घर के अंदर आएंगे। ये जो हमारा डोर होगा, इस डोर से आगे बढ़ने पर हमें मिल रहा है यहाँ पर लिविंग और डाइनिंग एरिया, जो कि हमारे पास ये 18 फिट 6 इंच बाई 15 फिट का हमारे पास ये लिविंग और डाइनिंग एरिया है। ये हमारे पास कॉमन टॉयलेट है जो कि 7 फिट बाई 5 फिट का हमारा कॉमन टॉयलेट है। और ये हमारे पास ड्राइंग रूम है जो कि 13 फिट 3 इंच बाई 11 फिट का हमारे पास ये ड्राइंग रूम का डिज़ाइन रहेगा। ये फ्रेंड्स हमारे पास बेडरूम है जो कि 10 फिट 3 इंच बाई 11 फिट 3 इंच का हमारे पास ये बेडरूम है। और ये हमारे पास सेकंड बेडरूम है जो कि 10 फिट 3 इंच बाई 12 फिट का हमारे पास ये सेकंड बेडरूम है। इस बेडरूम से हमने टॉयलेट को ऐड किया हुआ है जो कि 5 फिट 9 इंच बाई 5 फिट का हमारे पास ये अटैच टॉयलेट है। ये फ्रेंड्स हमारे पास किचन का डिजाइन है जो कि 8 फिट बाई 8 फिट का हमारा किचन है। और ये हमारे पास रहेगा थर्ड बेडरूम का डिजाइन जो कि 10 फिट 3 इंच बाई 12 फिट का हमारे पास ये थर्ड बेडरूम है। ये फ्रेंड्स हमारे पास बैक साइड में ये यूटिलिटी एरिया है जो कि 23 फिट बाई 5 फिट का हमारे पास ये यूटिलिटी एरिया है। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास मैप है जो कि आपको अच्छे से इसका मेजरमेंट क्लियर हो गया होगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा जो मैप होता है इसी के थ्रू जो हमारा मिस्त्री होता है वो साइट पे वर्क कर सकता है, क्योंकि इसी में हमारे पास एक कंप्लीट मेजरमेंट होता है। और ये हमारे पास फाइनली 3D प्लान है जो कि मैं आपको ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूँ। तो यही फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो है। तो आपको ये हमारा डिजाइन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लान के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।